हेलो एवरीवन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. टुडे आई एम हेयर विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. कल हम लोगों ने पढ़ा था अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जिसको फोबे कैरी ने लिखा है. उसमें हम लोग देखे थे कि नॉर्थलैंड में, यानी जो पोल, नॉर्थ पोल के तरफ का जो एरिया है जहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ होता है, वहाँ पे दिन छोटा और रातें लंबी होती है. वहाँ पे बच्चे जो है वो फर वाले कपड़े पहन के, ऊनी कपड़े पहन के घूमते हैं. और बियर्स कब को, और बियर्स कब के जैसे दिखते हैं. और वहाँ पे जो भालू होता है, वहाँ के जो जानवर हैं, जो रेंडियर, उसको वहाँ पे लोग स्लेजेज में जोड़ करके खिंचवाते हैं, कुत्ते से भी खिंचवाते हैं. उसी जगह की एक कहानी है. कहते हैं कि ये कहानी कोई सही है कि नहीं, इसका तो सही पता नहीं है, बट इससे कुछ लेसन मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया है. कि उस नॉर्थलैंड में एक स्टोरी फेमस थी कि एक बार कभी सेंट पीटर जो थे, एक सेंट थे, वो एक बार कभी नीचे आए दुनिया में, और उनको भूख लगी थी बहुत. सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और एक केक वाली, केक की दुकान थी जिसपे एक बुढ़िया औरत जो है वो केक बेचती थी. तो उसके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक केक दो. तो वो बुढ़िया बहुत माइजर रहती है, कंजूस रहती है. तो उसको वो जो केक है वो देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी महसूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है उसको कि दर्द होता है कि नहीं नहीं देंगे. तो वो छोटा एक केक बनाती है उनके लिए और कहती है कि ये देने के लिए. जब वो केक को बनाती रहती है, पकाती रहती है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा है. उसके बाद फिर और एक दूसरा केक बनाती है उसको रख करके, और पतला से पतला, लेकिन वो भी वो नहीं दे पाती है, उसके दिल से नहीं निकलता है. और वो उसको भी ले जा करके अपने रैक में रख लेती है, शेल्फ में रख लेती है. फिर क्या होता है वो हम लोग अभी देखते हैं. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. तब वो जो गुड सेंट पीटर थे वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वह भूख की वजह से बेहोश हो रहे थे, फेंट हो रहे थे. एंड श्योरली सच एज वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक असेंट. और निश्चित रूप से इस तरह की जो औरत थी, ये काफ़ी थी एक सेंट को भी उकसाने के लिए. कितना भूख लगी है लेकिन फिर भी वो एक केक नहीं दे पाई. एंड ही सेड, यू आर फार टू फुलिश सेल्फिश. और वो सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, इस इंसानी फॉर्म में, ढांचे में तुम रहने के लायक नहीं हो, बहुत ज़्यादा कंजूस हो, से खुदगर्ज हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और इंसानी शक्ल में तुमको खाना भी मिलना और घर भी मिलना, ये भी बेकार है, तुमको नहीं मिलना चाहिए. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी तुम्हें नहीं मिलना चाहिए ताकि तुम अपने आप को गर्म कर सको. यानी तुम इतनी कंजूस हो कि ना तुम्हें खाना मिलना चाहिए, ना पानी मिलना चाहिए, ना आग मिलना चाहिए, ना तुम्हें घर मिलना चाहिए, इतनी कंजूस हो. ये क्या करके कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब सेंट पीटर कहते हैं कि तुम वैसे ही करोगी, वही बनाओगी जो एक चिड़िया करती है. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और उसमें तुम बस अपना थोड़ा सा जो खाना है वह तुम वहाँ पर पाओगी. बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, किसी चीज़ में होल करते हुए. एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा का पूरा दिन कड़ी मेहनत के साथ सूखे लकड़ी में तुम दिन भर होल करोगे तो तुमको थोड़ा सा खाना मिलेगा, एकदम अल्प मात्रा. ये सेंट पीटर उसको एक तरह का श्राप है. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड. अब वो लड़की जो थी, वो औरत जो थी, वो अब बदल करके एक चिड़िया बन गई है, और वो चिमनी से होते हुए बिना कुछ बोले हुए उड़ते हुए चली जा रही है, निकल जाती है, और वो वुड पेकर बन के निकलती है, एक कठपड़वा चिड़िया बन के निकलती है, और ऊपर से चिमनी के रास्ते से वो ऊपर के निकलती है, जिसमें गर्म हवा रहती है, आग रहता है उससे, क्योंकि वो अब एक चिड़िया में बदल चुकी है. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर एक जो टोपी, एक लाल रंग की टोपी थी, यानी एक मोर टाइप का जो होता है वो था उस चिड़िया के ऊपर. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और बस उतना ही सिर्फ बच गया था उसके बॉडी पे बाल, यानी सारा का सारा बाल जो उस चिमनी से होते हुए निकला ना, तो उसके वजह से झुलस गया. बट
ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्नड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जो आग का जो फ्लेम था उसमें बाकी के सारे कपड़े उसके जल गए थे और कोयले की तरह काला हो गया था उसका पूरा शरीर. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. हर देहात एरिया का हर एक बच्चा उसको स्कूल में, स्कूल बॉय उसको देख चुका है, देखता है. जंगल में वो दिखाई देती है चिड़िया, जहाँ वो रहती है पेड़ों पे उस दिन से अब तक वो वहीं पे पेड़ पे रह रही है और वहीं पे होल करते हुए पेड़ों में लकड़ी में सुराख करते हुए उसको खाना ढूंढ रही है. तो बच्चों, ये था एक कंजूस औरत. एक कंजूसी की वजह से इंसान का अपना सब कुछ जो है ना ख़त्म हो जाता है. आपके पास अगर पैसे हैं, धन है, तो उतना भी कंजूसी ना करें कि जिससे आपका वो सारा धन छीन लिया जाए. तो एक कंजूसी भी बहुत ही ख़राब बीमारी है, जिसके वजह से आपका अपना धन आपके पास से चला जाता है. ये एक तरह का बैलेड है. अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास. बैलेड एक ऐसा गीत होता है जिसमें छोटे छोटे स्टेंजा में गीत गाई जाती है, स्टोरी कही जाती है. बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फॉक कल्चर, जो देहाती कल्चर है उसका एक पार्ट होता है ये बैलेड, और पॉपुलर कल्चर, एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ये जो बैलेड जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली जाता है, यानी एक दूसरे को वो सुनाते हैं तो वो याद कर लेते हैं, फिर उसके बच्चे उसको सुन के याद कर लेते हैं, फिर उसके बच्चे. ऐसे अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड इज अ बैलेड. तो ये जो लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड है ये भी एक बैलेड है, ये भी एक स्टोरी है जिसको ज़बानी जो है मुँह से अपने जनरेशन बाई जनरेशन इसको क्रॉस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा था कदम. तो ये रहा आपका ये पोएम. आप लोग इसे, इसका वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.